अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये दिव्य ऐसे क्यों बैठा है और ये उदास क्यों लग रहा है? चला क्यों गया? लैंडो, मुझे क्या करना है बाद में पता कर लूंगी, अब मैं अपना काम कर लूं। ये औरत कौन है और सास जी इसे सारा सामान क्यों दे रही है? ये अपने पास रख लो, एक एक कपड़ा खिलौना बहुत सहेज के रखा था मैंने, अच्छे से इस्तेमाल करना, मैं बाद में देखने आऊंगी। नैया, ये तो इन्हें पैसे भी दे रही है। वैसे तो हमारी सास जी इतनी कंजूस है कि किसी को एक चवन्नी तक ना दे, पर इस औरत को तो नोटों की गड्डी थमा रही है, फिर चक्कर क्या है? पता तो लगाना होगा। ये डिवोर्स पेपर्स तू राधिका को नहीं भूल पाया है, जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है, लेकिन राधिका तुझे भूल चुकी है। ये डिवोर्स पेपर्स है तू राधिका को नहीं भूल पाया है, जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। गलती राधिका की थी, धक्का उसने दिया पापा को और अब तलाक दे रही है मुझे। गलती उसकी, गुस्सा उसका, मुझे बात करनी होगी उससे। ऐसे कैसे कर सकती है वो? ये राधिका कहाँ जा रही है? पापा जी, अब और इस घर में हम नहीं रुक सकते, हमें प्लीज जाने की इजाजत दीजिए। हम चलते हैं, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। पापा हमारे पापा जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इस घर में बाकी रिश्ते और उनकी परिभाषा बदल चुकी है और कहीं ना कहीं उसकी वजह हम ही है, और अब तो हमारी वजह से आपको चोट भी लग गई। कहीं ना कहीं हम आपको दिक्कत दे रहे हैं पापा जी। ये हमारा चले जाना ही बेहतर है। पापा जी प्लीज हमें मत रोकिए, हम यहाँ से चले जाए, यही सबके लिए सही होगा। पर आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप पूरे मन से ठीक होने की कोशिश करेंगे।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जा रहे अच्छा है जाओ। पापा जाने दीजिए इसे। वैसे भी आपका ख्याल रखने के लिए पूरा बंसल परिवार है। और वैसे भी जख्मों को बार बार कुरेदने पर वो नासूर ही होते। लेकिन अगर उन जख्मों पर कोई सच्चे दिल से मरहम लगाए तो वो आसानी से भर जाते हैं। पर अगर किसी ने हार मान ली है तो उनसे उम्मीद रखकर कोई फायदा नहीं है। उम्मीद तुमने तोड़ी है राधिका। तुमने पापा को उम्मीद दिखाई कि तुम उन्हें ठीक करोगी। दादी को उम्मीद दिखाई कि तुम पापा का ख्याल रखोगी। यहां तक कि मुझे भी। सबकी उम्मीदों पर पानी फेर के रखते हैं तुम। आप तो ऐसे भूल रहे हैं जैसे सारा कसूर हमारा है। और आप किस बात के लिए नाराज हो रहे हैं? वो तो वही रहा है ना जो आप चाहते हैं। ओ प्लीज राधिका, वही हो रहा है जो तुम चाहती हो। अपनी मनमर्जी कर रही हो तुम। इस घर की बेटी होने का, पापा की बेटी होने का, दादी की बेटी होने का ये जो तुम दिखावा कर रही हो ना, मत करो। दिखावा? हाँ दिखावा। देवेंद्र जी, रिश्ते हमारे लिए दिखावा नहीं पर शायद आपके लिए है। तभी आपने एक बार भी नहीं सोचा, दूसरी शादी कर ली और हमें पराया कर दिया। तुमने मुझे पराया कर दिया और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। हमने देवम जी, रानी जी से शादी पहले आपने की है। और वो सिग्नेचर? पापा, पापा, पापा क्या हुआ? क्या हो गया पापा? पापा राधिका जल्दी पानी ला। क्या हो गया राधिका? थोड़ा जल्दी करो। पानी पीछे सांस लीजिए बाबा, आराम से। कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र जी, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए। ठीक। क्या हो गया है पापा? मैं डॉक्टर को बुला के आ रहा हूँ। वापस आ जाऊंगा मैं।
इन दोनों को एक साथ देखना चाहता है। क्यों ना मैं इसको इसकी आत्मा से अलग कर दूं? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।